हाँ जी सत श्री अकाल ते नाले जिहड़ी तुहाडी हुण ड्यूटी बनदी है चैनल नूं सबसक्राइब कर दो एदां उंगल मार के नाले बैल आइकोन बनिया हुआ घंटी जिही उहदे ते भी मार दो क्योंकि जदों कोई नवी चीज असीं होर पाई तां तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन आ जाऊ सो कर लो सबसक्राइब। माधवपुर बार्डर उत्ते पंजाब पुलिस दे तरले पाउण वाले इह नौजवान जम्मू कश्मीर दे वासी ने। इह लोक पंजाब विच मजदूरी करदे सन। कर्फ्यू लग्गिया तां बीमारी दे डर अते बेरोजगारी दे कारण इन्हां ने वापस घर परतण दी सोची, पर जो कुछ यूपी बिहार दे प्रवासियां नाल होया उह इन्हां दी किस्मत विच नहीं सी। जम्मू च दाखल हुंदे इन्हां दे अपने सूबे जम्मू कश्मीर दी पुलिस ने इन्हां नूं बाहर कढ दित्ता। इन्ना ही नहीं पुलिस ने इन सारे नौजवानों नूं गड्डी च बिठा के पंजाब दे बॉर्डर उत्ते उतार दिता। भूखे 15 दिन से भूखे जे एंड के पुलिस वाले ने पकड़े और पंजाब में भेज रहे हैं। पंजाब में हम काम करते थे, ऐसे रास्ते में पैदल रोड पे चल के जा रहे थे हम, तो ऐसे करते भूखे मर रहे। वायरस को क्या करेंगे, भूखे मरने लगे तो क्या करेंगे सारा। मुझे भूखे मर लगे, मतलब जेके पुलिस आपको तंग कर रही है। भूखे मर रहे हैं, हम कहां जाएं, हमारा ठिकाना जे एंड ठिकाने नहीं है, नहीं जाने दे रहे आपको, जे एंड क्या नहीं जाने देते। इसी तलाह मिलते ही पंजाब पुलिस दे अफसर मौके ते पहुंचे ते उन्होंने गुआंढी सूबे दी पुलिस नु अपने नागरिक वापस ले जाऊं दी किया। इस तो बाद ओह बड़ी मुश्किल नाल इन्हां नु वापस लेके गए। ए सारी कार्रवाई दौरान कश्मीरी नौजवान अपनी किस्मत नु रो रहे नजर आ रहे सन। जम्मू कश्मीर तो गड्डी आई सी और जम्मू कश्मीर पुलिस दी विच काफी लोग भी बैठे सी, रोंग साइड तो आई सी, की कहना है। एक रोंग साइड तो गड्डी आई सी, ओहदे विच माइग्रेंट सी, असीं चेक कीता कि रोंग साइड तो गड्डी है माइग्रेंट सर, ओह असीं रोक के वापस भेज। वक्त दे मारे इन्हां नौजवानां दा कहना है कि कोरोना बीमारी दे इस दौर ने उन्हां नूं सिखा दित्ता कि जम्मू कश्मीर दी सरकार लई उन्हां दी कोई बुकत नहीं है। जेकर सच बोलना सच लिखना बगावत है ता समझो असीं बागी हां। सच अते हक दी आवाज, दुनिया दे हर कोने कोने दी गल, पंजाब टीवी करेगा सच दा खुलासा। तुसी देखते रहो पंजाब टीवी, सच अते हक दी आवाज़।